नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BTC स्टडी हब विद आलोक। जैसा कि तृतीय सेमेस्टर के अंतर्गत हमने फर्स्ट अध्याय में बताया था मापन एवं मूल्यांकन, आज हम सेकंड अध्याय लेके आए हैं मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व। इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं हमारी फर्स्ट हेडिंग, मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकताएं। फर्स्ट हेडिंग है इसके अंतर्गत शैक्षिक स्तर की जांच करना, क्योंकि शैक्षिक स्तर की जांच करेंगे तो उससे एक अंदाज़ा लग जाएगा कि किस प्रकार की शैक्षिक व्यवस्था हमारे विद्यालय में दी जा रही है। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश, अलग अलग कक्षाएं रहेंगी तो प्रशिक्षण देने में आसानी रहेगी। शिक्षण में सुविधाएँ, मूल्यांकन के अंतर्गत प्रशासनिक आवश्यकताओं में शिक्षण में भी सुविधाएं का होना बहुत ज़रूरी है। छात्रों में अप्रेरणा, छात्रों को अगर अप्रेरणा दी जाएगी तो उनकी सीखने की शक्ति और तीव्र गति से बढ़ जाएगी और शिक्षण में छात्र रुचि लेने लगेगा। शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन, शिक्षा के साथ जो है व्यावसायिक निर्देशन देना भी ज़रूरी है। दूसरी हेडिंग है मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकताएं। इसके अंतर्गत है फर्स्ट, छात्रों के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता। छात्रों का समय समय पर मूल्यांकन होना जरूरी है। फिर देखते हैं शिक्षक के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता। शिक्षक अपने शिक्षण विधि को व शिक्षण को अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने के लिए समय समय पर मूल्यांकन करता रहता है। इससे पता चलता है कि कितने विद्यार्थी उसके कक्षा में शिक्षण में रुचि ले रहे हैं और कितने रुचि नहीं ले पा रहे हैं, इससे एक आकलन हो जाता है मूल्यांकन। अगली हेडिंग है मापन एवं मूल्यांकन में अंतर। मापन, मापन में हम देखते हैं मापन का क्षेत्र जो है संकुचित होता है और मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है। मापन एक सामान्य शब्द है और मूल्यांकन एक तकनीकी शब्द है। यहाँ दिया है मापन का क्षेत्र संकुचित होता है क्योंकि मापन का क्षेत्र सीमित होता है और मूल्यांकन हम किसी भी तरह से कर सकते हैं, खेलकूद के माध्यम से, बोलचाल के माध्यम से, पढ़ाई में, व्यवहार में, कई जगह मूल्यांकन हो सकता है। तीसरा है मापन पाठ्यवस्तु केंद्रित होती है। ये जो है पाठ्यवस्तु केंद्रित होती है, मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित होता है। मापन एक साधन है, मूल्यांकन अपने आप में एक साध्य है। मापन केवल संख्यात्मक मान में होता है या संख्या से होता है, मतलब संख्या का बोध होता है मापन में, और मूल्यांकन में संख्या तथा वर्णनात्मक दोनों का बोध होता है या दोनों ही प्रकार के होते हैं। आगे की हेडिंग देखते हैं मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण में अंतर। मूल्यांकन में देखते हैं सबसे पहले मूल्यांकन का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक एवं विस्तृत होता है और परीक्षण का क्षेत्र मूल्यांकन की अपेक्षा संकुचित होता है। परीक्षण का मतलब परीक्षा भी लिख सकते हैं या दिया भी रहता है कहीं कहीं कि परीक्षण या परीक्षा। परीक्षा का क्षेत्र मूल्यांकन की अपेक्षा संकुचित होता है या परीक्षण का क्षेत्र मूल्यांकन की अपेक्षा संकुचित होता है, क्योंकि परीक्षा जो है एक समय के हिसाब से ही ली जाती है कि अगर वार्षिक है तो एक ही बार में साल में, या छमाही है तो 6 माह में एक बार, और मूल्यांकन किसी भी समय कभी भी लिया जा सकता है या किया जा सकता है बच्चों का। मूल्यांकन अधिक विश्वसनीय एवं वैध होता है। मूल्यांकन की अपेक्षा परीक्षा कम विश्वसनीय एवं वैध होती है। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है और परीक्षा वर्ष में निश्चित समय पर आयोजित की जाती है। परीक्षा तिमाही, छमाही
वार्षिक रूप में होती है, और मूल्यांकन किसी भी रूप में होता है, खेल कूद, विषय संबंधित, बोलचाल संबंधित, शिक्षण में संबंधित। मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं होती है, और परीक्षा का संचालन या संचालन स्वयं अध्यापक करता है, क्योंकि परीक्षा का प्रश्न पत्र निर्माण अध्यापक ही करेगा, और उत्तर पुस्तिका का जांच भी वही करेगा, और लास्ट में परीक्षा फल भी वही घोषित करता है, और वह मार्कशीट का निर्माण अध्यापक करता है। तो यहाँ विशेष विशेषज्ञ की जरूरत रहती है। अगली हेडिंग है परीक्षण तथा मापन में अंतर। परीक्षण में देखते हैं, परीक्षण का क्षेत्र संकुचित होता है और मापन का प्रयोग व्यापक रूप से विभिन्न मनोवैज्ञानिक शोध कार्यों में किया जाता है, जबकि परीक्षण का संबंध मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक गुणों से होता है और मापन का संबंध केवल भौतिक गुणों से होता है। परीक्षण का प्रयोग स्वयं उपकरण के रूप में किया जाता है, परीक्षण जो है उपकरण के रूप में किया जाएगा, और मापन में भौतिक एवं मानसिक दोनों प्रकार की उपकरणों की आवश्यकता होती है। आज के टॉपिक में बस इतना ही, अगली टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे चैनल पर आप सभी लोग लिस्ट में जाके जो है देख सकते हैं, सभी सेमेस्टर के लेसन प्लान व नोट्स दिए गए हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप सभी को हर सब्जेक्ट के PDF व नोट्स मिल सकते हैं। धन्यवाद।